और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जंतर मंतर पर पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बड़ी खबर आपको बता रही। अविनेश फोगाट ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं होगा यही बैठे रहेंगे, इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो भाई अविनेश फोगाट ने कहा कि हम झूठी बातों में नहीं आने वाले हैं, 3 दिन हो गए हैं अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। तो भाई बजरंग पूनिया ने भी कहा कि सरकार चुप क्यों है, कमेटी ने हमसे संपर्क नहीं किया। तो वही उन्होंने आगे कहा कि खेल जगत से समर्थन की मांग भी की है और अन्य संगठनों से भी समर्थन मांगा है, जंतर मंतर पर लगातार खिलाड़ियों का धरना जारी है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां खिलाड़ियों ने बयान भी दिया। तो वही साक्षी मलिक ने भी कहा कि अगर अध्यक्ष पाक साफ है तो हम पर कार्रवाई करें, न्याय के लिए हमें समर्थन की जरूरत है। वही साक्षी मलिक ने आगे कहा कि हमें न्याय के लिए समर्थन की जरूरत है। तो जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों का धरना जारी है। वही विनेश फोगाट ने भी इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और हम झूठी बातों में नहीं आने वाले। तो 3 दिन हो गए हैं अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है।